दोस्तों, भाजपा की किरकिरी जितनी मध्य प्रदेश में सरकार बनाकर हो रही है, अगर पहले वाली आदर्शवादी, आदर्शों को मानने वाली भाजपा होती तो बिना चुल्लू भर पानी के ही डूब मरती। शिवराज को मंत्रिमंडल विस्तार करने में 100 दिन से अधिक का समय लग गया। अब मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर काफी खींचतान विवाद की बातें सामने आ रही हैं। मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, कभी शिवराज ने कहा था टाइगर अभी जिंदा है। शायद कमलनाथ सरकार के विरोध स्वरूप शिवराज ने यह बात कही थी। मंत्रिमंडल विस्तार के समय यही डायलॉग ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, क्यों? शायद यह अब समझ में आ रहा है। आ रही खबरों के मुताबिक सिंधिया ने अपने समर्थक मंत्रियों के लिए राजस्व, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला एवं विकास, नगरीय प्रशासन, वाणिज्य कर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और परिवहन विभाग मंत्रालय मांगे हैं। इससे यह साबित होता है कि एक सरकार में एक ही टाइगर रहेगा। शायद टाइगर अब शिवराज नहीं, सिंधिया हैं। तभी तो 2 दिन सिंधिया मंत्रिमंडल विस्तार के समय, जब सिंधिया भोपाल में थे, तब खुद सीएम शिवराज और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा दोनों दिन सिंधिया के आगे पीछे घूमते नजर आए। सिंधिया के टाइगर होने का एहसास सरकार को भी हो गया है। सिंधिया समर्थक 11 लोग तो मंत्री बने ही हैं। 3 अन्य समर्थक पूर्व विधायकों को भी सिंधिया ने मंत्री बनवा लिया है। सिंधिया समर्थक 14 मंत्री बन चुके हैं। भले ही इधर पुराने भाजपाई वरिष्ठ हों, दशकों से दरी उठाने वाले मंत्री न बनने पर फिर से उनकी स्थिति दरी उठाने जैसी भाजपा ने बना दी है। जो भी हो, आज मध्य प्रदेश में 2 भाजपा अलग दिख रही हैं, एक पुरानी और एक सिंधिया भाजपा। पूरी भाजपा पहले सरकार तोड़ने, फिर सरकार बनाने, फिर मंत्रिमंडल विस्तार कराने, अब विभाग बंटवारे के लिए बेहद परेशान है। मगर सरकार बनाना जरूरी था। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने एक सलाह सोशल मीडिया पर मशवरे के रूप में लिखी है। भाजपा नेताओं, खासकर शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने एक मशवरा दिया है कि सिंधिया को सभी नहीं झेल सकते, उन्हें झेल पाना इतना आसान नहीं है। अभी आगे देखते चलें क्या क्या होता है। वैसे शिवराज सीएम की कुर्सी छोड़ दें, वह सिंधिया को नहीं झेल पाएंगे। शिवराज इस्तीफा देकर पश्चाताप के लिए नर्मदा परिक्रमा करने चले जाएं। नरोत्तम मिश्रा चंचल भी हैं और चपल भी हैं। वह सिंधिया को झेल लेंगे, उनको सिंधिया को झेल लेने की काबिलियत भी है। सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दे दें और नरोत्तम मिश्रा को सीएम बना दिया जाए। नरोत्तम मिश्रा सिंधिया के नखरे झेल लेंगे। बाकी जिस ढंग से सिंधिया राजनीति करते हैं, वह बीजेपी या शिवराज के बस की बात नहीं। 100 दिन में हालांकि लोगों ने देख ही लिया है किस ढंग से शिवराज को उन्होंने परेशान करके रखा है। मंत्रिमंडल विस्तार करने में शिवराज दिल्ली भोपाल एक कर दिए। बड़े बड़े नेताओं की वो परिक्रमा करते रह गए। मंत्रिमंडल आज बन रहा, कल बन रहा, एक हफ्ते बन रहा, दर्जनों तारीखें लोगों के सामने रखी गईं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में शिवराज सिंह चौहान को एड़ी चोटी लगानी पड़ गई। बमुश्किल मंत्रिमंडल बना है, तो अब विभागों के बंटवारों को लेकर खींचतान मची हुई है। विभाग अगर बट भी जाते हैं तो सरकार चलाने में पहले जो शिवराज मनमानी कर लेते थे, वह मनमानी शायद अब नहीं चल पाएगी।
इस बात को भी लेकर शिवराज को सचेत हो जाना चाहिए। शिवराज के लिए हर दिन अब परेशानी का रहेगा, सरकार आसानी से नहीं चल सकती। इसलिए हो सकता है कि आगे चल के, मैं बार बार कह रहा हूं और बार बार कहता भी आया हूं कि किसी न किसी दिन बीजेपी को सरकार गिराकर मध्यवर्ती चुनाव की ओर जाना पड़ेगा। इसके अलावा शिवराज के पास या बीजेपी के पास कोई विकल्प ही नहीं होगा। मैं रम्मू सिंह, मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।